गाइस, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि नहीं, ये सब देख के नहीं, ये सब देख के खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। क्योंकि कल हम लोग जा रही है अपने घर, तो इसलिए ये सब मिठाई वगैरह, दिवाली भी है तो मिठाई वगैरह लेके आई है। ये लड्डू की पैकेट है और ये है रसगुल्ला, 4 पैकेट लाया मैंने। और ये प्लेट लिया, थोड़ा सा रास्ते पर अगर भूख लगेगा तो खा लेंगे, पराठा बनाएंगे हम लोग, तो बना के मैं ले जाऊंगी सब्जी पराठा, तो वही खा लेंगे। क्योंकि हम लोग होटल में नहीं खाते हैं कोरोना की डर से। जब से कोरोना स्टार्ट हो गई है तब से हम लोग बाहर का चीज़ मतलब नहीं खाते हैं। ये बाहर का मिठाई भी नहीं लाते क्योंकि ये पैकेट में है अंदर, तो इसी वजह से ये लाया। और दूसरा तो पैकेट में मिलता नहीं है, तो ये मिला है, ये ले लिया। और जो हम लोग खाने के इच्छा है तो वो सब खुद मैं बनाती हूँ, मिठाई वगैरह तो बना के खाती हूँ। इस टाइम तो नहीं हो पाएगा शायद, तो इसी वजह से कल हम लोग जा रही है अपने घर 1 साल के बाद। दोस्तों, पूरा 1 साल के बाद, तो सोचिए कैसा लगेगा अपने घर में 1 साल के बाद। ऐसे तो हम लोग 2-3 महीने के बाद ही चला जाते थे हमेशा, तो इस बार एकदम 1 साल के बाद, पूरा लॉकडाउन के बाद अब खुला दिया है रास्ता, तो इसलिए हम लोग जाएंगे। और कैसे कैसे कहाँ कहाँ चेकिंग भी होता है, मतलब तो गाइस मतलब कोरोना वायरस की वजह से कहाँ कहाँ रास्ते पर चेकिंग भी होता है। तो चलिए हम लोग के साथ वीडियो को एंड तक देखिए, और कैसे कैसे जाना पड़ता है वो सब अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर कोई आना चाहता है दूसरा स्टेट से मेघालय में, तो जरूर वीडियो को देखना। हाय गाइस, गुड गाइस, मॉर्निंग गाइस। तो गाइस, हम लोग के बिल्कुल रेडी अपने घर जाने के लिए। बहुत ही खुश है हम, बहुत दिन के बाद मिलेंगे सबके साथ। तो और क्या क्या हम लोग के सामान ले रही है हम लोग, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, ये रहा मेरा बैग लाल कलर का, और ये रहा मम्मी का बैग, और यहाँ पे है खाने पीने का सामान। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मेघालय के लिए, आसाम से मेघालय। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी देखते जाइए, रास्ते में क्या क्या मिलता है दिखाते जाएंगे। चलिए, काला काला हो रहा है, लोग जा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग जब आसाम से मेघालय जा रहे थे तब हमें एक जगह मिली बाजंगडोबा करके, वहाँ पे हमें एंट्री पास लेना था। तो गाइस, एंट्री पास लेने के लिए हम लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो गाइस, उन लोगों ने बोला कि ISBD में जाओ और वहाँ पे टेस्ट करो। तो हम लोग ISBD में गया और जो कोरोना के जो टेस्ट है वो भी किया। तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। मेरी बेटी जो बहुत डर रहा था, मैं भी डर रही थी कि किस है होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ डरने का वजह नहीं है गाइस, आप लोग भी आराम से कर सकती है टेस्ट। तो हम लोग सोचा था बहुत ही लंबा लाइन लगना पड़ेगा ना क्या, लेकिन वो नहीं है उतना, 10-12 लोग ही था वहाँ पर। तो आधा घंटा में हम लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो गया और अच्छी तरह हो गया। बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट है, दर्द भी नहीं होता है उतना जितना हम लोगों ने सोचा था, तो डरने के बिल्कुल कोई वजह नहीं है। तो गाइस, भगवान की कृपा से हम लोगों का तो नेगेटिव मिल गया है, नेगेटिव हुआ। तो अच्छी चला हम लोग आए मेघालय में। तो गाइस, अब आएगा थोड़ी देर में ब्रह्मपुत्र रिवर्स, जो असम का बहुत ही बड़ा नदी है ब्रह्मपुत्र, तो उसका ब्रिज आ जाएगा अभी, तो आप लोग देखते जाइए।
तो गाइस ये है असम का सबसे बड़ा ब्रिज है, जुगी गुफा बोलती है कुलकु, इसको पंचरत्न भी कहते हैं। ये 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, देखिए नीचे ट्रेन लाइन है और ऊपर गाड़ी वगैरह चलती है। तो देखिए ये पंचरत्न ब्रिज ग्वालपारा में है, ये क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं तोरा में, पहुंच चुके हैं। तो गाइस मैं घर में पहुंच चुकी हूं अपने, तो मैं टेरेस में आप लोगों को लेके जा रही हूं। तो देखिए टेरेस में मेरा सिस्टर इन लॉ ने बहुत सारा पौधा लगा रखा है। तो गाइस ये सब अभी फूल नहीं खिला है, जब फूल खिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। सब ये सब बाट आ गया है छोटा छोटा, तो और इस थोड़ा एक दो खिला है, इस महीने के बाद सब फूल खिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा टेरेस में। तो चलिए देखते जाइए हमारा थोड़ा सा घर, छोटा सा घर। तो गाइस सुबह सुबह संता ने पानी देने के लिए आया है पौधा को, तो मैं थोड़ा दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है टेरेस, फूल खिला नहीं है अभी तक, कुछ दिन बाद खिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा एक दो खिला है, यहाँ पर खिला है जबा, छोटा छोटा लाल जबा है, ये यहाँ पर एक खिला है रोज, तो उतना खिला नहीं है। जब हर फूल खिल जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लगता है 15 डे के बाद, 15 या 1 महीने के बाद खिल जाएगा हर पौधा। तो देखिए बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही प्यार से लगाया है मेरा सिस्टर इन लॉ ने, यहाँ पर एक फूल खिला है छोटा। ये मेरे ससुर जी ने पत्थर जमा के रखी थी घर ऊपर का जो हिस्सा है वो बनाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं है, तो बाद में सोचेंगे ये सब। तो ऐसे रखा है चीज़ को, तो ये सब पौधा, ये लाकी बेम्बो है, ये मैंने लाया था मेरे एक दीदी के वहाँ से, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। अच्छा लगता है घर में रखने से। तो ये सब देखिए पौधा, कोई भी फूल नहीं खिला है अभी तक, ये भी नहीं खिला है,
हर फूल जब खिल जाएगा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर एक झरना है, काफ़ी आवाज़ आती रहती है, झम 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 करके पानी का आवाज़ आती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। हमेशा हम लोगों को लगता है कि पानी गिर रहा है, ऐसा लगता है। बाहर से अचानक आ जाओ ना तो मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ पर पानी आ रहा है या झरना की आवाज़ से ऐसा है। तो यहाँ पर मूर्ति को दुर्गा पूजा जब होता है तो मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो ऐसा बनाया है, कुछ दिन पहले से तैयारी किया जाता है यहाँ पर पानी रुकने के लिए। तो ऐसा है, बाद में दिखाऊंगी मैं, नीचे से घर के अंदर से भी दिखाई देता है। ये झरना काफ़ी बड़ा होता है बारिश के टाइम में। ये है गिलोई, गिलोई का पौधा, ये पत्ता है गिलोई का। गिलोई तो ऐसे सभी जानते होंगे गिलोई। तो ये बीमारी, काफ़ी सारा बीमारी अच्छा होता है बोले, मुझे उतना पता नहीं है। अगर कोई आप लोग गिलोय का पौधा नहीं पहचानते हो तो देखिए, ये काटा काटा है थोड़ा सा ऊपर में। तो ये बहुत ही लंबा होता है। तो मेरा ब्रदर इन लॉ ने ये लगाया है यहाँ पर, तो अच्छा हुआ, ये फ़ायदेमंद है। देखिए इस टाइप का है गिलोय का पौधा, आसानी से हो जाता है ये लगाने से। टॉप में भी लगा सकती है आप लोग, ये है। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे घर के अंदर, थोड़ा दिखाऊंगी व्यू, उतना तो दिखा नहीं पाऊंगी। तो चलिए, ये सिटिंग रूम के अंदर जा रही हूँ मैं। तो ये है सिटिंग रूम हमारा, काफ़ी छोटा है यहाँ पर, छोटा छोटा होता है क्योंकि स्पेस इतना है नहीं। तो ऐसा है, यहाँ पर एक एक्वेरियम रखा है मेरी सिस्टर इन लॉ ने, ऐसा रखा हुआ है देखिए। हाँ, यहाँ पर एक्वेरियम है, छोटा छोटा मछली छोड़ के रखा है। मछली मर जाता है बोले, इस बार तो नहीं मरा है, उसको पता है कैसा रखना है, कैसा खाना देना है सही है, उसको सब पता है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मछली को, बच्चे लोग बहुत खुश हो जाता है ये देख के, इनके साथ खेलते रहते हैं। तो ऐसा है हमारा छोटा सा घर। तो इसके ये है अंदर, घर के अंदर। तो यहीं पर है झरना बाहर, तो घर के अंदर मैं लेके नहीं जाऊंगी, ये सब हम लोगों का रूम है अपना अपना। तो घर के अंदर नहीं दिखाऊंगी, झरना दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ से झरना देखिए, झरने के साथ ही घर है हमारा। तो पानी गिरते रहते हैं, चलते रहते हैं पानी, वो देखिए काफ़ी गंदा है क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, डस्टबिन में यूज़ नहीं करते, यहाँ पर फेंकते रहते हैं सभी।